डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, क्लास 10th में हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस किए हैं। अब आइए एक नए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, 13.2, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 है। तो दोस्त, आपको हम जैसा कि पिछले क्लास में ये बोले थे कि जो नए एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, अगर उसमें कुछ नया फार्मूला होगा तो उस नए फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्त, सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम लोग 13.1 शुरू करने से पहले जितना फार्मूला पढ़ा था, वही फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे 13.2 में। यानी कि अलग से 13.2 के लिए कोई नया फार्मूला हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। हम लोग उसी फार्मूले को याद रखेंगे तो 13.2 के क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं 13.2 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, आपको हम बुक दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आप बुक देख पा रहे होंगे। एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्ध गोला पर खड़ा है, यानी कि एक अर्ध गोले आप यहाँ बनाइए, सिंपल है। एक अर्ध गोलाकार ये है, ये अर्ध गोलाकार ठोस है और इस अर्ध गोलाकार पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कि अर्ध गोलाकार पर ही एक शंकु खड़ा है। देख रहे हैं, ये शंकु है जो किस पर खड़ी है, अर्ध गोलाकार पे खड़ी है। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की बराबर है। यानी ध्यान रहे दोस्त कि इसकी जो अर्ध गोले की त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, वो 1 सेंटीमीटर है और बोला गया कि शंकु की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई भी कितना है, 1। यानी कि अर्ध गोले की यहाँ पे अर्ध गोले की त्रिज्या का अगर बात करेगा, त्रिज्या यानी कि आर, तो वो 1 सेंटीमीटर दिया है और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई का बात करेगा यानी कि एच, ई भी कितना है, तो 1 सेंटीमीटर। इसलिए क्योंकि सवाल में बोला गया कि अर्ध गोले की जितना त्रिज्या है शंकु की ऊंचाई के बराबर है, तो इस तरीके के ठोस मिलेगा। फिर क्या बोल रहा है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों का मतलब ये हुआ कि ठोस का आयतन तो निकालना है, लेकिन पाई के जगह पे 22/7 नहीं रखना है और न ही 3.14 रखना। इसलिए हम समझे कि क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि सवाल बोला कि पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो पाई के पदों में कहने का मतलब है कि यहाँ पे 22/7 या 3.14 नहीं रखना है। इसलिए ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन, तो इस ठोस का आयतन पूछा जा रहा था। तो ठोस का आयतन में किसके किसके आयतन को जोड़ेंगे, तो भाई शंकु के आयतन और अर्ध गोले के आयतन। तो इस ठोस का आयतन यानी कि पूरा का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h प्लस अर्ध गोले का होता है 2/3 πr³। ठीक है, आप ये सब ना याद रख लीजिएगा। हम डिस्कस किए हैं जब शंकु के लिए हम क्लास रखे थे, शंकु पढ़ा रहे थे, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, सबके बारे में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ हमको ठोस का आयतन पूछ रहा था, तो पूरा का आयतन यानी कि शंकु भी है इस पर और अर्ध गोला है, तो शंकु के आयतन को और अर्ध गोले के आयतन को जोड़ देंगे तो पूरा ठोस का आयतन निकल जाएगा। अब करना क्या है, 1/3 पाई के जगह, पाई के पदों में निकालना है, इसलिए पाई के पाई छोड़ दीजिएगा। आर के जगह पे भी 1² × 1 प्लस 2/3 πके जगह पे पाई छोड़ दीजिएगा, आर का जगह पे 1 रख के 1³। यानी कि आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, पाई को पाई रहने दीजिएगा, फिर 1² 1 होगा, वो 1 × 1, ये सब 1 बन जाएगा,
ये भी एक बन जाएगा, तो तीन तीन का एलसीएम ले लीजिएगा नीचे। इस तरीके से आप देखेंगे कि सब कट उठकर और कितना आ जाएगा, सिर्फ पाई आ जाएगा। तो पाई ये भी बच जाएगा 1/3 पाई, यानी कि इसको लिखिएगा पाई बाई थ्री प्लस, और क्यों यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, यानी कि इसको 1 से गुना करेंगे तो पाई बाई थ्री होगा, और 1 का क्यूब 1, और इसको 1 से गुना कीजिए तो 2π/3 होगा। अब ये तीन और तीन का एलसीएम लेकर और खुद से कुछ ना कुछ कट के और पाई आंसर आ जाएगा। तो बस इसको बस बहुत ही सिंपल वे में हम इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। लिखा हुआ है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर शंकु जुड़े हुए हों। बहुत बढ़िया, समझिएगा। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को एक डायग्राम या एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया। मॉडल का मतलब जैसे घर द्वार इंजीनियर लोग बनाते हैं तो उसका पहले एक बोल सकते हैं डुप्लीकेट फिगर बनाते हैं, मॉडल। वैसे ही एक इंजीनियरिंग के छात्र को टास्क दिया गया, क्या बनाने के लिए? ऐसा मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो बेलन के आकार का है लेकिन दोनों सिरे पर क्या उपस्थित हो, दो शंकु जुड़े हों, ऐसा मॉडल बनाने के लिए बोला गया। तो आप क्या करो, एक बेलन बनाओ, ठीक है, ये हुआ हम लोगों को बेलन। थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाइएगा, मेरे से टेढ़ा हो जा रहा है, देख रहे हैं टेढ़ा हो गया फिगर। अब इसके दोनों सिरे पर शंकु जोड़ना है, तो दोनों सिरे पर शंकु जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। और तो क्या बोला हम लोगों को कि इस जो ये जो मॉडल है इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टोटल व्यास, यानी व्यास बोले तो बेलन का व्यास समझो या फिर आप शंकु का व्यास समझो, यानी कि इस फिगर में, इस मॉडल में हमें व्यास दे दिया कितना, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या नहीं निकाल सकते हैं, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, यानी कि d/2, यानी कि 3/2 सेंटीमीटर। तो अच्छा, इस मॉडल का पूरा लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 यहाँ से लेकर, इस पूरे मॉडल का लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। दो तरह का यहाँ पे बात लिखा, व्यास 3 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, देखिए अब शंकु की ऊंचाई का मतलब ये शंकु का ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए, 2 सेंटीमीटर शंकु का ऊंचाई यहाँ वाला और यहाँ वाला, इधर भी तो शंकु है तो 2 सेंटीमीटर इधर वाला। तो कहने का मतलब है कि शंकु का ऊंचाई हमको पता चल गया भाई, शंकु के ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो आप बताओ बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई को भी हम लोग h कहते हैं और शंकु की ऊंचाई को भी h कहते हैं, लेकिन जहां शंकु का ऊंचाई होगा वहां 2 सेंटीमीटर रखेंगे, जहां बेलन का ऊंचाई होगा वहां कितना रखेंगे। देखो टोटल हम लोगों को 12 था, 2 इधर हो गया शंकु, तो बेलन कितना बचेगा, तो 8 ही ना बचेगा, क्योंकि टोटल हम लोगों को दिया था 12। तो इसमें 12 किसको किसको, तो दोनों शंकु को और बेलन को टोटल मिलाकर 12। फिर बाद में बोला कि शंकु का ऊंचाई 2, इधर वाला का भी 2, तो 2 और 2 मिलके 4, और 12 में से 4 घटाएंगे तो बीच वाला हो गया बेलन का ऊंचाई। तो इस तरीके से हम लोगों को बेलन की ऊंचाई कितना पता चल गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बेलन की ऊंचाई हमको पता चल गया 8 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर क्या बोला जा रहा है, आगे पढ़िए। तो ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो रचेल द्वारा बनाया गया मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यह मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है।
जी हाँ, इसमें ये बोल रहा है कि इस पूरे मॉडल का आयतन कितना होगा। तो मॉडल का आयतन बराबर, अच्छा इस मॉडल का आयतन में कौन सी शामिल है भाई? तो एक शंकु इधर, एक शंकु इधर, और दोनों शंकु सेम है इसलिए कि दोनों का व्यास भी बराबर है, दोनों का ऊंचाई भी दो दो है, तो इसलिए दो गुना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जितना भी शंकु का आयतन है उसको दो से गुना करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा मॉडल का आयतन निकालना चाह रहे हैं। सवाल बोल रहा है कि मॉडल का आयतन निकालो, तुम पूरे मॉडल का आयतन में दो गो शंकु दिख रहा है, एक गो बेलन दिख रहा है, तो इसीलिए दो को गुना कर दिया शंकु के आयतन से, क्योंकि इसका और इसका दोनों निकल गया और बीच में क्या है, बेलन का आयतन। तो आप लिखेंगे दो गुने शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, तो सिर्फ होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन में होता है सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको हम लोग सबका मान रखेंगे, तो दो के जगह को 1 से गुना करेंगे, तो 2/3 पाई के जगह पे तो कुछ नहीं बोला, तो कितना रखेंगे, 22/7 गुने आर का स्क्वायर, तो शंकु का आयतन में आर, तो शंकु का भी तो त्रिज्या उतना ही होगा ना, यानी कि 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर गुने शंकु के लिए ऊंचाई, तो शंकु के लिए ऊंचाई कितना लिखे हैं, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, प्लस फिर से पाई है, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, किसका आर स्क्वायर भाई, तो बेलन का, तो बेलन का भी तो त्रिज्या उतना ही होगा ना, क्योंकि बेलन का ही शंकु के साथ अटैच है, तो यहाँ पे भी आर के जगह पे रखेंगे 3/2 का स्क्वायर, और बेलन का ऊंचाई कितना होगा, तो बेलन का ऊंचाई हम लोगों को पता है 8। ठीक है, तो इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, 2/3 का 2/3 गुना 22/7 गुने 3 का स्क्वायर ऊपर कर दीजिएगा 9, और 2 का स्क्वायर नीचे में 4, और गुना 2, इसका कटम कुटम जितना जो कट रहा होगा से काट दीजिएगा, और प्लस 22/7 3/2 का होल स्क्वायर कितना लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और नीचे में कितना, 2 का स्क्वायर 4 और गुना में 8। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा और दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद जितना आएगा वो हम लोगों को आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए देख पा रहे होंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। यहाँ तक समझिए, एक गुलाब जामुन है, तो जब गुलाब जामुन खाते हैं तो उसमें चीनी का चाशनी, यानी कि जिसको ये क्या बोल सकते हैं, चीनी का जो चाशनी नहीं बनाया जाता है, जिसमें डुबोया जाता है जलेबी वगैरह, ठीक है, तो वो चीनी का चाशनी बनाया जाता है, उसमें आयतन का लगभग कितना है, 30% चीनी का चाशनी है, यानी कि एक गुलाब जामुन में 30% जो है चीनी की चाशनी होती है। और ऐसा ऐसा कितना गुलाब जामुन बोल रहे हैं, 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगी, ये सवाल बोल रहा है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का आकार बेलनाकार है, बिल्कुल, जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। सवाल समझिए, बोला क्या गया, गुलाब जामुन जो है बेलनाकार है, और ये गुलाब जामुन का जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, जबकि व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले गुलाब जामुन बनाते हैं, ये रहा हम लोगों को गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन का आकार जो है बेलनाकार है, लेकिन दोनों किनारे पर अर्ध गोलाकार है, यानी कि ऐसे ये अर्ध गोलाकार है, ठीक है, ये गुलाब जामुन है, और इस गुलाब जामुन का कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर बोला है। ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर बोला है,
और इसमें ये बताया गया कि इस गुलाब जामुन का जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बताइए कि जब व्यास हम लोगों को दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा? तो त्रिज्या तो व्यास का आधा होता है, माने कि d/2। तो 2.8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर हम लोगों को त्रिज्या होगा। तो अर्धगोला का भी त्रिज्या उतना ही होगा और बेलन का भी त्रिज्या उतना ही होगा। तो अर्धगोला का त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया 1.4, ठीक है, और इधर भी अर्धगोलाकार का हो गया 1.4। और टोटल हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक के लंबाई 5 दिया है, तो बेलन का लंबाई कितना होगा? या फिर बोल सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई h का मान कितना हो सकता है? तो टोटल हम लोगों को 5 है, इस 5 में से ये दोनों को जोड़ के घटाएंगे, यानी कि 1.4 + 1.4, यानी कि 5 में से घटा लेंगे 2.8, ठीक है। तो 2.2 हम लोगों को बच जाएगा किसका? तो इस बेलन का ऊंचाई, तो 2.2 हो जाएगा हम लोगों को। तो अब हम लोग को निकल गया बेलन का ऊंचाई, कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि टोटल तो 5 सेंटीमीटर था। अब इधर वाला हो गया हम लोगों को त्रिज्या, माने कि 1.4, और इधर भी हो गया 1.4, क्योंकि त्रिज्या तो बराबर ही होगा, तो हम लोगों को आ गया 2.2। अब हम लोग गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन, तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तो अर्ध गोला कितना है? 2 ठो, तो 2 गुने अर्ध गोले का आयतन प्लस प्लस बीच वाला बेलन है, यानी कि बेलन का आयतन को जोड़ देंगे। तो हम लोग 2 गुना अर्ध गोला क्यों किए? क्योंकि एक अर्ध गोला इधर, एक अर्ध गोला इधर, तो 2 गुने अर्ध गोले का आयतन प्लस बीच वाला क्या है? बेलन। तो हम लोग यहाँ पे बेलन का आयतन निकाल लेंगे। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे 2 गुने अर्ध गोले का आयतन प्लस में बेलन का आयतन। अब आप जान रहे हैं कि अर्ध गोले का आयतन का फार्मूला कौन सी होता है, तो 2/3 π r³ यही होता है, प्लस बेलन का आयतन कौन सी होता है, तो π r² h। अब कैसे निकालेंगे? तो 2 दुना का हो जाएगा 4/3 गुना। पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि जब तक नहीं बोला जाता है तो 3.14 नहीं रखते हैं। आर का क्यों? तो आर हम लोगों को कितना निकला है, तो आर 1.4, तो 1.4³ प्लस फिर से पाई, यानी कि 22/7 आर का स्क्वायर, तो आर उतना ही ना यूज करना है, तो 1.4² इंटू बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हम लोगों को एच निकाल चुके हैं 2.2। अब सबको इसका अलग गुना कर लीजिएगा, जो कट रहा होगा उसको कटा दीजिएगा, और सब जोड़ जाड़ के जितना आएगा वो हो जाएगा हम लोगों को उतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन। कै गो गुलाब जामुन का? एक गुलाब जामुन का ना, तो हम लोग यहाँ पे सवाल में क्या लिखा हुआ है कि टोटल 45 गो गुलाब जामुन है। तो एक गो गुलाब जामुन का जितना आयतन आएगा, अब हम लोग कुल 45 गुलाब जामुन का आयतन, इसलिए क्योंकि एक गुलाब जामुन का जितना आएगा, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जितना आएगा एगो का उतना ही में 45 से गुना कर देंगे, जो यहाँ आएगा उसको 45 में आप गुना कर दीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोगों को यहाँ पे भी सवाल नहीं बोल रहा था, अब सवाल बोल रहा था कि एक गुलाब जामुन का 330% चीनी का चाशनी है, यानी कि जो रस्सा बनाया जाता है ना, जिसको क्या बोल सकते हैं, चीनी वाला, जिसमें जलेबी को डुबाते हैं उसको, चीनी का चाशनी, उसमें 30% चीनी की चाशनी है, तो टोटल चीनी की चाशनी 45 गुलाब जामुन के लिए कितना होगा? तो जितना आएगा, अब लिखिएगा चीनी का चाशनी, चीनी की चाशनी बराबर, यानी कि हमको तो चीनी का चाशनी निकालना है कि कितना चीनी वाला चाशनी होगा 45 गुलाब जामुन के लिए। तो जितना आएगा वहाँ पे, यहाँ पे ये वाला जितना आएगा जो टिक किए हैं,
वो वाला यहाँ रख दीजिएगा और गुने कर दीजिएगा 30%, क्योंकि 30% सवाल में बोला कि चीनी का चाशनी है, तो यहाँ वाला जितना आएगा उसको गुना करना है। परसेंटेज का तो मतलब समझते ही हैं, बट्टा में 100, और फिर ये वाला जो जितना आएगा यानी जो टिक किए हैं ये वाला जो आएगा यहाँ यहाँ रखेंगे और फिर इसी को यहीं रख देंगे और गुना 30% निकाल दीजिएगा और इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 तक के डिस्कस किए 13.2 एक्सरसाइज का। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।